हेलो फ्रेंड्स, किचन विद HNW में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप हमारा लगातार वीडियो देख रहे हैं, आपको नए नए रेसिपी मिल रही हैं लगातार। तो दोस्तों आपने पनीर बहुत खाए होंगे, मटर पनीर खाए होंगे, पनीर दो प्याज़ा खाए होंगे, पनीर के कई प्रकार की रेसिपी बनती हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दही के साथ पनीर की रेसिपी, दही मटर पनीर रेसिपी। तो दोस्तों आज का वीडियो ये हमारा ये है कि दही पनीर की रेसिपी तैयार होगी। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कैसे कैसे बनता है दोस्तों। तो दोस्तों दही पनीर रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, रश्मि जी बताइए इसमें क्या क्या जरूरत है। पनीर कटा, हाँ, मटर बॉयल किया हुआ, हाँ, दही, हाँ, और इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, टमाटर का पेस्ट, इसको पहले ब्राउन किया, उसके बाद मिक्सर में ग्राइंड किया, ये इसका पेस्ट है। और ये है पनीर मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और रेड मिर्च, जीरा, लौंग, तेज पत्ते और धनिया कटी बारीक। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारी मोहतरमा कैसे इसे बनाएंगी। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा कैसे बनेगा दही मटर पनीर रेसिपी। जीरा, हाँ, लौंग, तेज पत्ता, हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया, रेड मिर्च, हाँ, धनिया पाउडर, पेस्ट बनाया था इसका। ये रहा दोस्तों, देखिए इसमें टमाटर और लहसुन मिर्चा अदरक का जो पेस्ट बना के रखा गया था दोस्तों, ये दोस्तों आप देख लीजिए पेस्ट जो पहले से रेडी था। हल्का सा ब्राउन कीजिए और उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। ये रहा दोस्तों, इसको हल्का सा इसमें फ्राई किया जाएगा, ये जो पेस्ट आपका तैयार किया गया है हल्का सा इसे ब्राउन किया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, देखिए प्याज और टमाटर का जो ग्रेवी तैयार किया गया था बनकर रेडी है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें ऐड किया जाएगा पनीर मसाला। ये रहा दोस्तों, देखिए पनीर मसाला ऐड किया जा रहा है दोस्तों। इसे हम हल्का एक दो मिनट चलाएंगे ताकि इसमें मसाला अच्छे से पक जाए। ये रहा दोस्तों, अब इसमें दोस्तों ऐड किया जा रहा दही। ये रहा दोस्तों, देखिए इसमें दोस्तों दही ऐड किया गया है, दही मटर पनीर। दोस्तों बहुत ही शानदार रेसिपी है दही मटर पनीर की रेसिपी, आप खाएंगे तो पूरा उंगली चाट डालेंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए दही ऐड कर दिया गया है, दही हम 4 से 5 मिनट पका लेंगे अच्छे से। अब इसमें दोस्तों हल्का सा नमक ऐड किया जा रहा है। ये रहा दोस्तों, स्वादानुसार नमक रखिए इसमें। इसमें मटर ऐड करेंगे दोस्तों, इसमें देखिए मटर ऐड किया जा रहा है। ये रहा, दोस्तों एक बात याद रहे कि हमारे जो ऑफिस में मित्र हैं, लोग कहते हैं कि मटर पनीर नहीं खिलाते, वो तो आज उनके लिए मटर पनीर की भी व्यवस्था की जा रही है। हम अपनी मैडम से बोले कि बना दीजिए, कहें ठीक है हम बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। तो हमारे दोस्त लोग शायद आज लंच में मटर पनीर खाने को मिले, उसे बोल भी रखा था। ये रहा दोस्तों, अब इसमें देखिए पनीर ऐड किया जा रहा है। देखिए दोस्तों में पनीर ऐड कर दिया गया है। ये रहा दोस्तों, अब इसमें पानी, दोस्तों इसमें पानी ऐड किया जाएगा। ये रहा दोस्तों, इतना ग्रेवी खाना हो आवश्यकता अनुसार इसमें पानी ऐड कीजिए। आपको अगर लटपटा खाना है तो हल्का पानी रखिए, ज़्यादा आपको खाना है तो नॉर्मल रखिए। तो ये रहा दोस्तों, देखिए दही पनीर मटर की रेसिपी बनकर तैयार है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब देखने में लग रहा है दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा हम धनिया ऐड करेंगे, मतलब धनिया ऐड कीजिए इसमें। ये रहा दोस्तों, देखिए धनिया ऐड किया गया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। और ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, बेल आइकॉन भी ना दबाना भूलिए, नहीं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ऐसे हमारे रेसिपी और वीडियो को देखते रहिए और खूब सारा प्यार देते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग दोस्तों।
हाँ भाई दोस्तों खिलाया है चले सब तेरे साथ तो सबूत रखना पड़ेगा उसे खाना तो नाट जगह खा पी के कितना दी था भाई प्रूफ दे रहा है कि हाँ भाई मैंने खिलाई है दोस्तों को भाई ने बड़े प्यार से बुलाया आज चम्मच ले तो पकड़ हाँ जी क्या मुद्दा है मैं घर पर सही बना है तो खा रहा हूँ घर में चोपड़ा जी टेस्ट कीजिए थोड़ा कैसे लगी आपको कैसा बना दोस्तों पनीर इसका सबूत है ये हमारे प्रवीण भाई पिछले 2 साल से लगातार कह रहे थे पनीर खिलाए तुम्हें पता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई योजना लाते हैं तो पंचवर्षीय योजना तहत होता है 5 साल आखिरी बार जब चुनाव होता है तब जाके वो योजना कंप्लीट होती है और चोपड़ा जी थोड़ा बताइएगा कैसा मुद्दा है इसमें खाना भाई था खा रहे हैं मैं तो खाया हूँ और ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।